प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। शिवम, इस पेंसिल में तो कुछ नहीं। दीपिका, ये इसको ऐसे अगर बैलेंस कर पाए तो। हाँ, तो ये बर्तन गिर जाएगा, साथ में चावल भी गिर जाएंगे, दे दो। आज तो हम लोग खा गए हैं चक्कर। हो गए हैं बिल्कुल घन चक्कर। और ये सब केटू का कमाल है। उन्होंने हमें दिया है ये बर्तन, ये कच्चे चावल है इसके अंदर, और ये एक मोटी सी पेंसिल। और पता है चैलेंज क्या है? हमें इस बर्तन को इन चावलों के साथ इस पेंसिल से उठाना है। ये कैसे करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये केटू भी है ना, क्या क्या कहती रहती है, क्या करूँ 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 क्या करूँ। आज हार मान लो। क्या हार? क्या होती है? क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। शिवम, ये कैसे किया तुमने? ऐसा ही होता है। आज फिर दीपिका और शिवम ने बाजी मार ली। वो बात अलग है कि आज तुक्का लग गया, पर शर्माने की कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा ही होता है। तो चलिए, आज के रिस्पॉन्स स्पेशल में आपके सवालों के जवाब देने से पहले ये पता कर लेते हैं कि चावल से आखिर बर्तन उठा कैसे, इसमें क्या साइंस है। हर चीज में साइंस। पतले मुंह वाले बर्तन में भरे चावल के दानों के बीच में है बहुत सारे गैप्स, खाली जगह। लेकिन जब हम उसे यूं बार बार मारते हैं तो चावल के दाने एक दूसरे के पास आते जाते हैं, इतने पास कि वो पेंसिल को चारों तरफ से कस लेते हैं। पेंसिल के साथ बर्तन भी उठाता है। ऐसा ही होता है, और ऐसा होने का साइंटिफिक कारण है घर्षण, फ्रिक्शन। वाओ! साबुन के बुलबुले बनाने में कौन सी बड़ी बात है? यही सोच रहे होंगे ना आप? हम भी यही सोच रहे थे, इसीलिए हमने एक साबुन के बुलबुले बनाने का नया तरीका निकाला है। हमारी साइंस की दुनिया में ऐसा ही तो होता है। टॉर्च के ऊपर फिट कर दिया है प्लास्टिक के डिब्बे का ढक्कन। अब उसको गीला करते हैं साबुन के सॉल्यूशन से, और फिर बनाते हैं उसके ऊपर बुलबुला। जला देते हैं टॉर्च और चलते हैं रंगों की अजब दुनिया में। रंग जिनके बारे में आपके बहुत से सवाल हमें मिल रहे हैं। सोप बबल्स के इन रंगों का कारण है खुद बबल का आकार। एक सैंडविच की तरह साबुन की दो परतों के बीच पानी। व्हाइट लाइट जब बबल की एक परत पर पड़ती है तो वो मुड़ती है और बिखर जाती है अपने रंगों में। ये रंग पहुंचते हैं दूसरी परत पर और यहाँ मिलते हैं। कुछ तरंगे आपस में जुड़ जाती हैं, रंगों को और भी चमकीला बनाती हैं, लेकिन कुछ एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। यही कलर इंटरफेरेंस बुलबुले पर इन रंगों को पैदा करती है। रंग कौन से दिखेंगे डिपेंड करता है कि बुलबुलों में साबुन की परतें कितनी मोटी हैं। रंग क्या है? क्या रंगीन बबल्स बनाकर दिखाए वैसे इन दोनों ने। पर मैं भी केटू हूं भाई, आपके सवाल का जवाब दूंगी एक मॉडल के साथ। पर आप हमेशा याद रखिएगा कि साइंस बड़े बड़े लेबोरेटरीज और मोटे मोटे इक्विपमेंट्स में नहीं है, हमारे एटीट्यूड में है। जरूरत है एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की, क्यों कैसे व्हाई हाउ ये सब पूछने की। तो चलिए ये सब प्रूफ करती हूँ फटाफट, एक होममेड प्रिज्म के साथ। चलिए, होममेड प्रिज्म बनाने के लिए तीन ऑर्डिनरी स्लाइड्स कांच की, ये किसी स्टेशनरी दुकान पर मिल जाएंगी। इन्हें चिपकाना है एक ट्रायंगल में। अब प्लास्टिसीन की परत के ऊपर सावधानी से खड़ा कर देते हैं और भर देते हैं पानी। हो गया प्रिज्म तैयार, दिख रहा है ना स्पेक्ट्रम। अब बारी रेडीमेड प्रिज्म की, क्योंकि सवाल है कि प्रिज्म लाइट को बिखेरता क्यों है। जवाब है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या परावर्तन।
जब प्रकाश एक माध्यम से होकर दूसरे में जाता है तो वो सीधा न जाकर झुक जाता है, मुड़ जाता है। अब सफेद प्रकाश एक नहीं अनेक रंगों से बना है और हर रंग की अलग वेवलेंथ, इसीलिए हर रंग अलग एंगल पर झुकता चला जाता है। एक क्रम में सबसे कम वेवलेंथ वाला बैंगनी एक सिरे पर और सबसे लंबी वेवलेंथ वाला लाल प्रकाश दूसरे सिरे पर। इसी को कहते हैं डिस्पर्शन। आसमान में इंद्रधनुष भी इसी कारण बनते हैं। Come on, Deepika. With lights. हमारी इन लाइट्स के साथ हम अपना खेल खेलते हैं स्टैचू। और खेल खेल में ही हमने उठाया आपका अगला खेल, जो ये है कि ट्रैफिक लाइट्स में इन्हीं दो कलरों का इस्तेमाल क्यों होता है, मतलब हरा या लाल। लाल देखते ही ड्राइवर के पांव ब्रेक पर, हम चल रहे हो तो रुक जाते हैं। लाल रंग खतरे का है, हर भाषा में एक ही मतलब, सावधान, रुक जाओ। दूसरी तरफ हरा, हरी लाइट हो या हरी झंडी, मतलब है जाओ, आगे बढ़ जाओ। ट्रैफिक लाइट में यही रंग क्यों? जवाब जुड़ा है रंगों की एनर्जी से, वेवलेंथ से। लाल रंग अपनी लंबी वेवलेंथ के कारण सबसे कम बिखरता है और दूर से ही नजर आ जाता है। ऐसे में ड्राइवर को दूर से ही पता चल जाता है कि रुकना है और वो पहले से ही गति कम कर लेते हैं। दूसरी तरफ हरा, हरा स्पेक्ट्रम के बीच का रंग है, लाल से एकदम अलग। बहुत दूर से ना दिखने के कारण ये खतरा नहीं रहता कि ड्राइवर जल्दी से गति बढ़ाकर निकल जाने की कोशिश करे। हर देश में ट्रैफिक सिग्नल में इन्हीं रंगों को यूज़ किया जाता है। यह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और इसकी जड़ें भी साइंस में। सिर्फ एक फैंटेसी, बैटमैन के स्टंट्स इम्पॉसिबल, असल जिंदगी में कोई नहीं कर सकता, ना कोई सच ना कोई साइंटिफिक रीजन। अब इतनी ऊपर से कोई छलांग लगाएगा तो हड्डी पसली एक हो जाएगी, लेकिन बिल्ली रानी के साथ तो ऐसा नहीं होता। वो तो कहीं से भी कूदे, कहीं से भी छलांग लगाए, उसे तो चोट नहीं लगती। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? चलिए इसका साइंटिफिक जवाब भी हम बिना बिल्ली को कूदवाए एक नकली बिल्ली से काम चलाते हैं और पता करते हैं ऐसा क्यों होता है। ऊंचाई से गिरने पर भी अपने पैरों के बल गिरना बिल्ली रानी की खूबी है। यही खूबी उन्हें बहुत ऊपर से गिरने पर भी चोट से बचाती है। देखिए किस तरह बिल्ली बीच हवा में गिरते गिरते भी अपने शरीर को घुमाकर सीधा कर रही है, कुछ इस तरह कि वो अपने पैरों के बल ही गिरे। यही है बिल्ली का राइटिंग रिफ्लेक्स। वो कभी भी अपनी पीठ या मुंह के बल नहीं गिरती, और तो और गिरते समय वो अपने पंजों को फैला लेती है और नीचे गिरने की रफ्तार को कम कर लेती है। दूसरी बड़ी खूबी है बिल्ली का लचीला शरीर और बहुत ही लचीली या फ्लेक्सिबल रीढ़ की हड्डी। बिल्ली के शरीर में कॉलर बोन भी नहीं है। हम बिल्ली जो नहीं है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि कभी जोश में आकर ऊंची जगह से कूदने की गलती मत कीजिएगा, वरना। वैसे अब हम अपने अगले सवाल पर कूदते हैं, जो है तो कूदने से ही रिलेटेड। आशीष शर्मा ने पूछा है कि पैराशूट के साथ कूदने पर हम नीचे ही पहुंच जाते हैं, लेकिन ग्लाइडर काफी देर तक हवा में ही रहता है। पर उन्होंने ये भी पूछा है कि ग्लाइडर्स नीचे से ऊपर उड़ान क्यों नहीं भर सकते। सवाल थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन है ना। इतना टेक्निकल भी नहीं है। अरे ये तो हम जानते हैं ना कि किसी भी चीज के उड़ने के लिए बेसिक फोर्सेस की जरूरत है, याद है ना? नीचे खींचने वाला ग्रेविटी, ऊपर उठाने वाला लिफ्ट, पीछे खींचने वाला ड्रैग और आगे बढ़ाने वाला थ्रस्ट। इन्हीं चार फोर्सेस की खींचा तानी में छिपा है हमारा अगला जवाब। देखिए
इस विमान पर भी काम कर रहे हैं चार बल, ग्रेविटी या भार जो पृथ्वी की तरफ खींच रहा है, लेकिन उससे अधिक ताकतवर लिफ्ट जो विमान को ऊपर उठा रहा है, ड्रैग जो पीछे खींच रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है, लेकिन थ्रस्ट जो विमान को आगे बढ़ा रहा है। आपका सवाल है पैराशूट के बारे में। बात साफ है, जब कोई व्यक्ति पैराशूट के साथ ऊपर से कूदता है तो उसके ऊपर दो मुख्य बल हैं, नीचे खींचने वाला ग्रेविटी और पैराशूट के आकार के कारण उत्पन्न लिफ्ट फोर्स। यही लिफ्ट उसके नीचे गिरने की गति को कम कर देता है और वो सुरक्षा के साथ नीचे उतर पाता है। दूसरी तरफ है हैंग ग्लाइडर या पैराग्लाइडर। इसमें कोई मोटर या इंजन नहीं, ये तो मानो पंख लगाकर उड़ान भरना है। ग्लाइडर एक ऊंची जगह से टेक ऑफ करता है और पंछी की तरह ही उड़ता है। पंख का आकार किसी भी पक्षी या विमान की तरह एरोफॉयल जैसा, ऊपर से कर्व्ड घुमावदार, नीचे से सपाट। हवा पंख के नीचे कम तेज चलती है और ऊपर से तेजी से बहती है, बस नीचे की तरफ से एक ऊपरी उछाल या लिफ्ट फोर्स पैदा हो जाता है। पैराग्लाइडिंग में भी खिलाड़ी कन्वेक्शन करेंट्स ढूंढते हैं और काफी समय तक उड़ान भरते हैं, बिल्कुल किसी चील की तरह जो अपने मजबूत पंखों से ऊपर उठता है और गर्म हवा के झोंकों पर बिना पंख हिलाए सवारी करता है। आप अपने पैर से हवा में गोला बना सकते हैं यूं, और हाथ से हवा में आठ भी लिख सकते हैं। वेरी सिंपल, हाथ से आठ और हवा में गोला। पर दीपिका और शिवम जाने क्या कर रहे हैं? देखिए करो करो ऑब्जर्व किया, पैर में भी एट। ट्राई ट्राई एट। ओ नो, क्या आपसे हो पा रहा है? दोनों एक साथ हाँ। ट्राई करते हैं, ट्राई करो, हमसे तो नहीं हो पा रहा है। खेटू भी है ना, क्या क्या करवाती है। उनका सवाल एक्चुअली में ये था कि ब्रेन मस्तिष्क किस चीज से बना है, किस चीज से बना है ये मस्तिष्क, ये आप देखिए। तब तक हम अपनी ट्रिक ट्राई करते हैं। हमारे शरीर का असली बॉस हमारा ब्रेन मस्तिष्क। चलते हैं ब्रेन के अंदर। ब्रेन जो है तो छोटा सा, लेकिन शरीर के किसी भी दूसरे अंग से अधिक ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई यूज करता है। हमारा ब्रेन बना है करोड़ों करोड़ों नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स से। हर न्यूरॉन हजारों दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़कर एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाता है। आफ्टर ऑल हमारे शरीर में जो कुछ भी होता है वो ब्रेन ही कराता है। ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम, इसी के कारण हम सोचते हैं, याद रखते हैं और जब चाहें हिलते डुलते हैं। मतलब हम पढ़ाई कर रहे हों या खेल के मैदान में हों, सेरेब्रम ही काम कराता है। सेरेब्रम को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, लेफ्ट और राइट। मजे की बात यह है कि लेफ्ट सेरेब्रम शरीर के राइट साइड के मसल से काम कराता है और राइट सेरेब्रम लेफ्ट साइड के। सेरेब्रम के नीचे है सेरेबिलम, छोटा पर काम का, संतुलन बैलेंस और मसल्स के एक साथ काम कराने का काम सेरेबिलम का। मतलब हम खड़े होते हैं, चल पाते हैं, लिख पाते हैं तो सेरेबिलम के कारण। तीसरा हिस्सा ब्रेन स्टेम भी कम ताकतवर नहीं, यही तो मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। साथ में जिंदा रहने के लिए जरूरी सभी काम जैसे सांस लेना, खाने को पचाना और रक्त के संचार को भी काबू करता है। ब्रेन एक बहुत बढ़िया मशीन है, किसी सुपर कंप्यूटर से भी बढ़िया और उससे भी अधिक कॉम्प्लिकेटेड। अगला कितनी आपका सवाल, जिसके जवाब के साथ केटू बिल्कुल तैयार है एक मजेदार एक्सपेरिमेंट के साथ। We'll be right back.
पता करते हैं कि ये कैन ऐसा करने पे पिचक क्यों गया, क्योंकि इसके पता चलने पे हमें मिल जाएगा हमारे अगले केथरी का जवाब, जो पूछा है अनिल सिंह ने। इस पुराने डिब्बे में चम्मच भर पानी डालकर जब हमने गर्म किया तो जल्दी ही पानी उबलने लगा, वो भाप बनकर बाहर निकला तो अंदर की हवा भी बाहर। अब इस डिब्बे के अंदर है वैक्यूम, मतलब ये बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं, और बन गया है लो प्रेशर, बहुत कम दबाव। ठंडे पानी के बर्तन में डालते ही ये कैन पिचक जाता है, कारण बाहर का दबाव। मेटल का डिब्बा अगर इतना दबाव नहीं सह पाया तो हम कैसे सह सकते हैं वातावरण के दबाव को? जवाब साफ है, हमारे शरीर के अंदर भी है हवा और पानी भी, फ्लूइड्स। अब शरीर के अंदर से बाहर की तरफ लगने वाला दबाव बाहर से अंदर की तरफ लगने वाले दबाव के बिल्कुल बराबर है, इक्वल एंड ऑपोजिट। नतीजा, हम ना तो पिचकते हैं और ना ही फूलते हैं। खाना जलता है तो बर्तन काला, पापड़ जल जाए तो वो भी काला, सफेद चावल भी जलकर काले ही हो जाते हैं, पर ऐसा क्यों? क्यों ऐसा ही होता है, ये सवाल पूछा है वैष्णवी ने। वैष्णवी, आपके सवाल का जवाब मोमबत्ती के साथ दूं? मोमबत्ती जलती है तो भी काला होता है, नहीं मानते? देखिए, प्रूफ करके बताते। मोमबत्ती की लौ में रखा गया चाकू भी हो गया है काला, और ये भी है सूट या कालिक, वही जो चीजों के जलने पर पैदा होती है। ये तो हम सब जानते हैं कि ज्यादातर चीजें बनी है कार्बन से, सूट कार्बन के पार्टिकल्स ही है। जब कोई चीज जलती है तो आग से निकलता है प्रकाश, गर्मी और गैसें, साथ में बनती है कालिक या सूट। कालिक कितनी, ये निर्भर करता है कि क्या चीज जल रही है, कितनी तेजी से जल रही है और उसे कितनी ऑक्सीजन मिल रही है। जलते समय जितनी अधिक ऑक्सीजन मिलेगी उतनी कम कालिक, मतलब उतनी कम सूट पैदा होगी। क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप पर शक कर रहा हूँ? क्या मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे गुस्सा हूँ? देखा, अपनी आईब्रोस की शेप चेंज कर हम अपने पूरे फेस का एक्सप्रेशन बदल सकते हैं। पर ये आईब्रोस होते क्यों हैं? क्या फल पकते समय कोई गैस रिलीज करते हैं? सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा क्या मैटर का कोई चौथा रूप भी है? कितने सारे केथरी, कितने सारे जवाब। पर जैसा केटू कहती है, कटाफट। धारवाड़ के प्रसन्ना निगलूर चेहरे पर आईब्रोज के काम को जानना चाहते हैं। हमारी आईब्रोज या भवे हमारी आँखों के ऊपर तनी हुई मानो छतरियाँ हैं, जो आँखों को भीगने से बचाती हैं। फिर चाहे वो बारिश का पानी हो या माथे से बहता हुआ नमकीन पसीना। कटिहार बिहार के अंकित पूछते हैं कि क्या पके हुए फलों से कोई गैस निकलती है? जवाब है हाँ, फल पकने का समय आता है तो उनमें एथिलीन गैस बनती है। एथिलीन एक सिंपल हाइड्रोकार्बन गैस है जो कि फल के अंदर बहुत सारे बदलाव शुरू करने का इशारा है, वही बदलाव जो फल को कच्चे से पका बनाते हैं। रंग रूप आकार स्वाद और खुशबू लगभग सभी कुछ बदल जाता है फल के पकने पर। सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव्य, और गैस है वाष्प। पदार्थ के तीन रूप हम जानते हैं, लेकिन मैटर का चौथा रूप जानना चाहते हैं रजत सिंह। मैटर का चौथा रूप है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक पूरी तरह आयोनाइज्ड गैस है, ऐसी गैस जिसमें लगभग बराबर संख्या में पॉजिटिव और नेगेटिव फ्री चार्जेस हैं। मतलब प्लाज्मा वो है जिसमें पॉजिटिव आयंस
और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। तो क्या हुआ, ऊपर तो आया पर ऐसा क्यों हुआ? ये भी एक साइंस का नियम है, इसीलिए तो हम कहते हैं हमारे चारों तरफ साइंस है।